बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद यासीन खान और आप देख रहे हैं MBS पाकिस्तान। तमाम न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूं अपने चैनल के ऊपर। और टॉपिक से जल्दी से आते हैं ताकि मैं बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग नहीं करूंगा। टॉपिक वही इस वक्त जो चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक पाकिस्तान के सोशल मीडिया का, राबी पीरज़ादा की लीक वीडियोज़। मैंने इस पर दो वीडियोज़ करी और दोनों बहुत, अगर आप गौर से देखें, दोनों के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, दोनों को जाके देखिए और अंदाज़ा करें कि मैंने अपने तौर पे जो तज़िया दिया है, जो मेरी अपनी थिंकिंग है, दोनों मैंने अपने हिसाब से दिए हैं। क्या हैं उन पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, वीडियोस के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर मिले जुले लोगों के मतलब उनकी राय रही है। कुछ ने मेरा साथ दिया और कुछ ने नेगेटिव कमेंट दिए। नेगेटिव कमेंट से कभी मैं नहीं घबराता, लेकिन नेगेटिव कमेंट जिस तरह के आए हैं तो मुझे ऐसा फील होने लग गया जैसे राबी पीरज़ादा की वीडियोज़ को मैंने ही पाकिस्तान में लीक किया। समझ नहीं आ रही ये बात। असल में लोगों की थिंकिंग बड़ी डिफरेंट है। अब जो भी वीडियोस लीक हो गई वो लीक हो गई, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अब एक बात बहुत क्लियरली समझें, राबी पीरज़ादा ने अपनी वीडियोस को जैसे भी लीक किया, जिस तरह से भी लीक किया, लीक करवाया, वो उसका मैटर है, वो उसको उसके उसमें छोड़ दीजिए। मैंने उसकी वीडियोज़ को, मेरे जितने पेज हैं, जो इंस्टाग्राम है, जो यूट्यूब चैनल है, मैंने कहीं भी उसकी वीडियो को शेयर नहीं किया, नहीं क्या कि उसकी वीडियो के किसी पार्ट को भी शेयर नहीं किया। इवन लोगों ने मेरा इनबॉक्स भर दिया, मुझे मैसेजेस हर तरह से आ रहे हैं कि मुझे वीडियो सेंड करें, मुझे वीडियो सेंड करें, मुझे वीडियो सेंड करें। अब एक चीज़ पर आएँ, जुमे के रोज़ का ये वाक्य हुआ। जुमे के रोज़ जो है हैशटैग ट्रेंडिंग में आता है। नॉर्मली हर जुमे को जुम्मतुल मुबारक या जुम्मा मुबारक का हैशटैग ट्रेंड में होता है। उस दिन जुम्मा मुबारक का हैशटैग सेकंड नंबर पे आ गया और राबी पीरज़ादा फर्स्ट नंबर पर। ये लोगों का सोच है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है। अब आइए बात उन सारे मैटर्स को एक तरफ कर दीजिए, जो मेरा मैसेज है उसको समझिए। राबी पीरज़ादा ने जो भी किया उसको उसका पर्सनल मैटर दे के छोड़ दें, ठीक है ना। हमने छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसकी वीडियो को शेयर नहीं किया। मैंने जो वीडियो लगाई है वो मैंने किसी मैंने जो बात करी है उनके ऊपर, जिन टॉपिक्स को मैंने छेड़ा है, उन टॉपिक को समझें कि राबी पीरज़ादा ने क्यों किया ऐसा। और सेकंड वीडियो में मैंने एक और वीडियो उसकी पोस्ट करी है जिसमें लोग समझ रहे हैं कि वो राबी पीरज़ादा है, जबकि वो राबी पीरज़ादा नहीं है, वो कोई और है जो राबी पीरज़ादा से सोशल मीडिया पर आके माफ़ी मांग रही है। द मैटर इज़ दैट वो जो भी कर रही है, माफ़ी अल्लाह से मांग लो, ये कौन सा तरीका इस तरह से है। बस मैंने इतनी ही बात करी। अच्छा चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। अब टॉपिक क्या है, मोबाइल फ़ोन्स को समझें। ये जो मोबाइल फ़ोन्स है ना, अंग्रेज़ जिसने मोबाइल फ़ोन बनाया और स्पेशली कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन बनाया, उसने कहा कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ये उनकी थिंकिंग है आप देखें, और उस पर कैमरा लगा हुआ है, तो एक काले रंग का टेप उस कैमरे पर लगा दें। समझें आप मेरी इस बात को समझें, एक काले कलर का टेप उस कैमरे पर लगा दें, क्योंकि जब तक ये आपके हाथ में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आप वीडियो बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जो बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी फितरत है। सेल्फीज़ क्या हो गई, ये क्यों लेते हैं हम, ये जनरेशन क्या कर रही है। टिकटॉक की वीडियोस जान से जा रहे हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो करी जिसमें मैंने डेथ बताई है टिकटॉक। ये मोबाइल फ़ोन है, अंग्रेज़ ने, गोरों ने ये टेक्नोलॉजी जो लेकर आए ना, ये हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ दे दी है जिसके मतलब अगर उस पर कैमरा है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। चलें ये सब चीज़ें, जितने लोगों के दो किस्म की रुझान हुए, एक तो वो पाकिस्तान का तबका रहा जिन्होंने इस बात को, ये चीज़ कही कि यार राबी पीरज़ादा एक टाइम पे नातें पढ़ रही थी, ये कर रही थी, कश्मीर के लिए बात कर रही थी, इतनी ट्रेंडिंग में वो उस वक़्त नहीं आई जितनी ट्रेंडिंग में ये वीडियोस लीक होने के बाद हो गई, ठीक है। एक तो वो तबका था और वो दिल से बुरा भी बोल रहा था, अच्छा भी बोल रहा था। अच्छा एक तबका बिल्कुल पाकिस्तान का वो डिफरेंट तबका था जिसको सिर्फ किसी ना किसी तरीके से वो इन वीडियोस की तलाश में था, बस देख लें, किसी तरह से देख लें। यार एक चीज़ को समझो, आप आज किसी की वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने के बाद आप गुनाह भी कमा रहे हो, ठीक है ना, और उस वीडियो को फिर आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हो और जिसको दिखा रहे हो वो गुनाह भी आपके सर आ रहा है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कितना गुनाह कमा रहे हो ये भी तो समझो। इसको इस तरह से ले लें, जितने लोग ये सब चीज़ें मांग रहे हैं कि यार ऐसा क्या, ऐसी वीडियोज़ उसने रखी हुई थी मोबाइल में, ये चीज़ें रखी हुई थी अपने मोबाइल में, एक बात बताएं क्या आपके मोबाइल महफूज हैं।
आप अपने मोबाइल का पासवर्ड खोल के क्या अपने माँ बाप को हैंड ओवर कर सकते हो? आपके डेटा में क्या क्या है? मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, बुरी लग रही होगी लेकिन सच्ची बात कह रहा हूँ। आपके मोबाइल्स में क्या क्या है, क्या उसे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं? क्यों पासवर्ड लगा के रखते हैं? अगर इतने हाजी सनाउल्ला आप लोग भी हैं तो इस पर पासवर्ड ना लगाएं, ठीक है? एक बात ये हो गई। अच्छा, ये तो बड़ी वो बात हो गई। और अब मैं उन लड़कियों को भी मैसेज दूंगा, जो लड़कियां किसी किस्म की भी फ्रेंडशिप वाली गैदरिंग में लड़कों के साथ होती हैं और जब उनकी वो तस्वीर या वीडियो मांग रहे होते हैं कि देख के डिलीट कर दूंगा, समझें इस बात को। क्या वो इतना शरीफ ज़्यादा है या वो इतना हाजी सनाउल्ला है कि वो आपकी तस्वीर मांग के उसको डिलीट नहीं करेगा, या वो आपकी तस्वीर को अपने बगैर दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेगा और क्या क्या मजाक बनाएगा? अगर ये सब दुनिया से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ जो ये एक ये बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन को ना, अगर मेरी ज़बान से कहें या मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो हमेशा मुझसे कहता है, यार यही एक आंख वाला दज्जाल है बेसिकली, ये हकीकत है। वो मेरा दोस्त है, बहुत करीबी और बचपन के हम दोस्त हैं, इसके बगैर हम रह भी नहीं सकते। लेकिन वो कहता है ये टीवी और ये मोबाइल ये वाकई एक आंख वाले दज्जाल हैं और यही फितना फैला रहे हैं। तो यही इस वक्त फसाद की जड़ है, यही सब कुछ हुआ है। हम पॉजिटिवली इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं। गोरा क्या बोलता है? गोरा कहता है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उससे बचना चाहते हो और कैमरे वाला है तो कैमरे पे टेप लगा दो। अब इस बात को समझें, टेक्नोलॉजी उसकी ईजाद उसने किया है। अब यहाँ पर आएँ, वो लड़कियाँ जो किस किस्म की वीडियोस को वायरल करती हैं, किसी को देती हैं, किसी को भेजती हैं, तो आप क्या समझते हो कि आपकी ये चीज़ें महफूज हैं दूसरे के जाने के बाद? कहाँ कहाँ वायरल नहीं होती हैं। माजी में चले जाएँ, आपको लाहौर के कैफ़े का वाकया याद होगा, कितनी लड़कियों ने अपनी वीडियोज़ को वायरल होने के बाद खुदकुशी करी। अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले लाहौर के सैनमा घर, जहाँ पे लोग गैर अखलाकी हरकत में मुलविस पाए गए और अंधेरे में उनको ये नहीं पता लगा कि वो सैनमा में क्या कर रहे हैं, लेकिन सैनमा में लगे हुए नाइट विजन कैमराज ने उसकी पूरी पूरी वीडियो बनाई और उसके बाद वो वीडियोस वायरल हो गई। और अब उनकी क्या कंडीशन है, इनके चेहरे आए। तो ये देखो, पर्सनल इश्यूज़ पर मैंने बात नहीं करी, मैंने सिर्फ उन चीज़ों की बात करी कि ऐसा करना नहीं चाहिए, जो हुआ वो गलत हुआ। वीडियोस मैंने शेयर नहीं करी, अगर मैंने वीडियोस को शेयर किया होता, लोगों ने वीडियोस शेयर करी हैं, आप बिलीव करें हर जगह फैली हुई है ये वीडियोस। बहरहाल ये सारी बातें थी। और आपका ये मोबाइल जो है ना एंड्रॉयड, ये महफूज नहीं है। सिर्फ दुनिया में एक कोशिश करें जो मैंने शुरू से अपनाया है कि मोबाइल फ़ोन जब भी आप ख़रीदें, जब भी आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदें, वो ज़ीरो मीटर लें और उसको बेचें नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बेचें नहीं या किसी के हैंड ओवर नहीं करें, डेटा साफ़ करके भी मत करें, क्योंकि डेटा साफ़ नहीं होता मोबाइल का, वो कहीं ना किसी तौर पे निकाल लिया जाता है। उसमें आपकी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मेरा एक उसूल है कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी अपना सेल फ़ोन बेचा नहीं। जब उससे दिल भर गया, उसने काम करना छोड़ दिया, तो वो मेरे बच्चों के खिलौनों के हिसाब में रहा या मैंने उसको दराज में पड़ गया। मैं किसी दिन आपको अपने दराज में पड़े हुए 6-7 मोबाइल जो अब ख़राब हो चुके हैं वो दिखाता हूँ, जो मुसलसल जो है ना मेरे उसमें पड़े हुए हैं। किसी दिन मैं उसकी स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा अपने फेसबुक के पेज पे, कितने मोबाइल्स हैं मैंने बेचा नहीं। तो बेचे नहीं है, जो आप ख़रीदते और बेचते हैं और अपने डेटा खुद शेयर करते हैं, तो बेसिकली आपका मोबाइल ही गैर महफूज है। अगर आप उसको आप बनाने के लिए दे रहे हैं, आप 10 मसले एक अच्छा और अच्छी नस्ल का मोबाइल फ़ोन ले लें। और मोबाइल फ़ोन की अब अच्छे से अच्छे के चक्कर में कि 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, पुराना मोबाइल मार्केट में बेच दिया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये गैर महफूज है मोबाइल, गैर महफूज है। ऐसे ऐसे मार्केट में चीते बैठे हैं, आपका पुराना डिलीट किया हुआ डेटा वापस आ जाता है। ये कैसे गैर अखलाकी वीडियोज़ जो हैं आपको बहुत सारी प्रॉन साइडों में मिल जाएंगी, उसकी वजह ही है ये कि लोग बनाते हैं, ये कि अपनी चार दीवारी में वो जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनकी ये वीडियोस जो हैं आगे जाके वायरल हो जाएंगी। तो खुदारा, ये आज का मेरा मैसेज है उन तमाम लड़कों के लिए जो लड़कियों से वीडियोस और ये रिक्वेस्ट करके बनाते हैं, यार मत करो। और ख़ासतौर पर लड़कियाँ, क्योंकि अभी तक जो है ना वो गलती यही कर रही हैं कि वो धोखे में आके इस तरह की चीज़ों को वायरल करती हैं और फिर ये बाद में रोती हैं, पछताती हैं रबी पीरज़ादा की तरह। तो देखिए, रबी पीरज़ादा का सिनेरियो एक अलग है, उसकी वीडियो ही कुछ इस अंदाज़ की हैं जो कि वो जाहिर सी बातें बहुत ही कुछ हिसाब किताब से बनाई गई हैं और जो बाय फोर्स नहीं बनवाई गई हैं, किसी ने ब्लैकमेल होकर नहीं बनाई है, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि वो किसी ना किसी हिसाब से, वो वैसे ही नहीं है कि ब्लैकमेल होकर बना रही हैं, किसी की डर खौफ में बना रही हैं,
ऐसा नहीं है, देखने वाला भी नज़र रखता है। तो बाकी लेकिन लड़कियां इस तरह की अपनी गैर अखलाकी लाइव चैटिंग में, अभी जो हरीम शाह और शाहीन आफरीदी का जो सीन हुआ, अब शाहीन आफरीदी अपने मोबाइल से किसी को, अब किसको लाइव कॉल कर रहा है ये नहीं पता, उसकी वीडियो को, उसकी हरकतों को करते हुए वो रहीम शाह भी कह रही, हरीम शाह भी कह रही हैं, सॉरी रहीम शाह कहते हैं, हरीम शाह भी कह रही हैं कि ये वीडियो जो है शाहीन आफरीदी की है, और वो कह रही हैं ये मेरा अकाउंट ही नहीं। तो इतना कुछ गैम्बलिंग हो रही है, घपल्ला हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि आप इन तरह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। एक्यूरेट और सही खबर मैं आपको दे देता हूँ, इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको दे देता हूँ। तो ये मैसेज भी मेरा इसीलिए है कि खुदारा खुदारा आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है ये गैर महफूज है। कोशिश करें कि 0 मीटर मोबाइल लें और उसको उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक वो आपका साथ दे, उसके बाद उसको कुछ नहीं समझ आता ना हथौड़ी लेके तोड़ें और फेंक दें, लेकिन उसको बेचें नहीं, उसको किसी और के हाथ में ना दें। आपकी ज़िंदगी एसेट इसके अंदर है, चीज़ें हैं इसके अंदर है, हर डेटा इसके बगैर नहीं चल सकते। और अदनान मेरे दोस्त, यू आर राइट, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो इसको कहता है ये दज्जाल है एक आँख वाला। एग्जैक्टली ये हकीकत है कि ये दज्जाल है। उम्मीद हो आज का ये मेरा बोरिंग सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, फ़ायदेमंद रहा। कुछ मैंने एक्टिविटी नहीं करी, एक मैसेज दिया है और ये मैसेज बड़ा पावरफुल है। और जितने लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, बुरे कमेंट कर रहे हैं, आई डोंट केयर, इनसे मैं सीखता हूँ हमेशा, इन चीज़ों को मैं समझता हूँ। इससे ये मेरा चैनल है, ये मेरे अपने जाविया होता है, अपना तरीका होता है बात करने का, और आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं मैं सुनाता। अच्छा लगता है, लोग कलाक करते हैं तो मैं करता हूँ, और जब तक है सांस में सांस करता रहूँगा। और आपसे यही कहूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना, अपनी फैमिली के, बच्चों का, घर वालों का, सबका बहुत ख्याल रखिए। बहुत सारी इस बात को समझिएगा और इस मैसेज को आगे कन्वे कीजिएगा ताकि फिर से कोई ऐसा वाकया पाकिस्तान में ना हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ फिर हाजिर होऊंगा, बहुत सारी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।